Hello friends, today we will see another very important topic, that is industrial wiring. Industrial wiring actually बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैंने इसको दो पार्ट में बांटा है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। ये पार्ट वन है वीडियो का, इसमें हम बेसिकली फ्लो देखेंगे, कैसे डीबी तक पावर आता है, डीबी से आगे थ्री फेज और सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, फिर सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और उसको वायरिंग तक कैसे लेके जाया जाए, तो अपने को इक्विपमेंट तक कैसे लेके जाया जाए। ठीक है, लेट्स बिगिन। ये है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जिसको हम डीबी बोलते हैं। ऐसे टाइप के डीबी आपको बेसिकली इंडस्ट्रीज या कहीं बहुत जगह आपको देखने मिलते होंगे, शॉप्स में देखने मिलते होंगे, बड़े बड़े मॉल्स में देखने मिलते होंगे आपको। ठीक है, इसमें बहुत टाइप आते हैं डीबीज के अंदर। ठीक है, इसमें वो जो टाइप है, कितने टाइप के आते हैं, वो सेकेंड पार्ट में कवर किया मैंने। ठीक है, तो देश बेस ये मैंने थोड़ा इजी फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की कि डीबी के अंदर होता क्या है। ठीक है, डायरेक्टली आपको डीबी दिखाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसके तो समझते हैं, फिर हम डीबी के साथ कोरिलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो बिगिन विद, देखिए ये जो है एमसीबी है, डीबी के अंदर रहती है। ठीक है, ये उसकी इनकमिंग पार्ट है, इसकी इनकमिंग पार्ट है आर वाई बी, न्यूट्रल आया, न्यूट्रल डायरेक्टली इसके लिंक पे लग गया, ये लिंक है, लिंक पे गया, लिंक यहाँ से यहाँ शॉर्ट है ताकि दो लिंक के इस्तेमाल हो सके, और ये लिंक यहाँ पे दूसरी लिंक है। ठीक है, और सेम अर्थिंग का भी है, अर्थिंग का लिंक है, अर्थिंग की एक लिंक इधर, ताकि दो फेज में बटने के लिए। ठीक है, इसका आउटगोइंग बस पैदा हो गया, फिर इसके थ्री पोल एमसीबी के लिए थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए एक एक फेज बी का है, एक वाई का है, एक आर का है। सिमिलरली फॉर सिंगल फेज के लिए ही हमने बांटा है बी, एक वाई, एक आर। ठीक है, ये मैं जानबूझ के अलग अलग फेज पे दिया है इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, जब करेंगे तो जरूरी नहीं हर फेज पे एक एक रहे एमसीबी, टोटली डिपेंडिंग ऑन लोड, लोड को बेसिकली हमें बांटना रहता है आर वाई बी में, इक्वल लोड बटे, उस हिसाब से यहाँ डिसाइड करना पड़ता है कि आर में कितना लोड देना, वाई में कितना लोड देना है, फेज बैलेंस करने के लिए। ठीक है, थ्री फेज में ऑटोमेटिक बैलेंस रहता है, इक्विपमेंट ही बैलेंस कर देता है, कई बार सिंगल फेज में बैलेंसिंग बहुत जरूरत होती है। तो ये सिंगल फेज की एमसीबी होगी, सिंगल फेज की आर पे, वाई पे, बी पे। अब इसकी आउट, ये देखिए उसकी एक एक आउटगोइंग निकली वहां से, ये जा रही थी उसके इक्विपमेंट पे, उसके साथ एक न्यूट्रल जा रहा है। ठीक है, सीरीज सबके साथ ऐसा है, एक एक आउटगोइंग, एक न्यूट्रल। ठीक है, ये थ्री फेज के साथ भी सेम है ऐसी, अर्थिंग है जो दिख रहा हूँ आप, अर्थिंग जा रहा है साथ में इसके, सिमिलरली सिंगल फेस में भी सेम। ठीक है, सिंगल फेस में देखिए ये फेस, ये न्यूट्रल, ये अर्थिंग, ये बहुत इजी फॉर्म में है। मैं आपको एक डीबी की एग्जैक्ट फोटो दिखाता हूँ, उससे हम कोविलेट करने की कोशिश करेंगे। ये डीबी ऐसी दिखती है। ठीक है, तो ये जो है इसी को रिप्लिका कर रहा हूं मैं, ये जो इनकमिंग पार्ट है ना वो है, और ये है वो। ठीक है, ये एमसीसी एमसीबी एमसीसीबी है। ठीक है, ये एमसीसीबी है, ये जो न्यूट्रल का जो आया, न्यूट्रल आया उसके दो, उसने एक लेफ्ट हैंड साइड आरएचएस और एलएचएस के लिए दो पार्ट में दो न्यूट्रल लिंक बना दिया इसने यहाँ पे, ये इंटरनली ये शॉर्ट है करके। ठीक है, एमसीबी के तीन आउटगोइंग के लिए आर वाई बी, तीनों जाके बस बन गए, बस जैसे यहाँ दिख रहे थे कॉलम वाइज, तीन कॉलम नहीं रहते हैं, ये एक के ऊपर एक कैस्केडर रहता है, मतलब एक के ऊपर एक रहता है, तो आपको दिख नहीं रहे करके। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए एल वन एल टू एल थ्री मार्किंग लिखी है, ऊपर वाला एल वन है, उसके बीच में जो एल टू है, उसके नीचे जो है वो एल थ्री है। ठीक है, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी खोलने की आपको, कभी बहुत मेजर काम करें डीबी के ऊपर तो आपको ये खोलना पड़ सकता है। ठीक है, नेकेड आई से आपको शायद दिख जाए इसके अंदर बहुत क्लोजली, पर बाहर से आपको ये एक के ऊपर एक कैस्केड टाइप का रखा हुआ है, सैंडविच टाइप का बोल सकते, सैंडविच बस। ठीक है, ये उसका आउटगोइंग्स हो गए, इसमें थ्री फेज आउटगोइंग ये दिया हुआ है। ठीक है, थ्री फेज को सिंगल फेज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हटा के आप तीन सिंगल फेज एमसीबी लगा दो, सिंगल फेज अलग अलग इक्विपमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये थ्री फेज आउटगोइंग के लिए देखिए एक एक में आर वाई बी, इसमें भी आर जुड़ा है, वाई जुड़ा है, बी जुड़ा है, सिंगल आउटगोइंग के लिए भी आर वाई बी, एक न्यूट्रल डायरेक्टली लिंक से चला गया है। ठीक है,
अभी इसमें देखने की बात है कि यहाँ पे एक और लिंक दिख रही है, ठीक है, एक और लिंक दिख रही है यहाँ पे, सॉरी, यह अर्थिंग लिंक। अब इसमें सवाल आता है अर्थिंग लिंक में को वायर क्यों नहीं लगे हैं, वो भी आपको बताऊंगा। पर उसके पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं हम, ये डीबी के ऊपर जहाँ पे एमसीबी लगी है और जहाँ पे न्यूट्रल लिंक लगा है, ये डायरेक्टली डीबी के बॉडी पे लगा है, उसके बीच में एक सतह पे इंसुलेटिंग चीज है जो कि प्रिवेंट कर रही है कि ये चीज डायरेक्ट डीबी पे ना लग जाए, न्यूट्रल और फेज डायरेक्ट डीबी पे ना लग जाए, डीबी के बॉडी पे ना लग जाए, ताकि इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिक सप्लाई डीबी के थ्रू ना फ्लो, डीबी लोहे की रहती है बनी है, ठीक है, उसके थ्रू फ्लो चालू ना हो जाए, इसलिए ये इंसुलेटेड रहता है। पर सिमिलरली अर्थिंग इंसुलेटेड नहीं रहता है, अर्थिंग डायरेक्टली बॉडी पे, ये पूरी स्क्रू है इसके लिंक है ना, ये डीबी के बॉडी पे के लगी है, तो एज गुड एज हम इसको अर्थिंग करना चाहते हैं डीबी के बॉडी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर अर्थिंग क्यों नहीं आया है हम आगे समझेंगे। अभी पहले थोड़ा डीबी को पावर कैसे आते हैं ये समझते हैं। ये जो हमारा है एलटी पैनल का साइड है, एलटी पैनल जहाँ पर ट्रांसफार्मर का आउटगोइंग आता है ना, वहां से वन ऑफ द आउटगोइंग फीडर से एलटी पैनल का आउटगोइंग फीडर, ठीक है, पीसीसी पैनल, एमसीसी पैनल, जो भी आप बोलते होंगे उसका, ठीक, वहां से ये आउटगोइंग एक स्विच का हैंडल दिख रहा है, बस अंदर स्विच ये रहता है, ऐसे रहता है अंदर का स्विच, ठीक है, उस पर मीटर है, तो इस स्विच का अंदर का ये है इनकमिंग आर वाई बी, ये स्विच ऑन होने के बाद यहाँ पे भी आर वाई बी फ्लो होगा। न्यूट्रल जो है डायरेक्टली लिंक बन गई, न्यूट्रल के एमसीबी के थ्रू नहीं गया है, क्योंकि थ्री पोल एमसीबी है इसीलिए न्यूट्रल यूज नहीं किया गया, ठीक है, कहाँ पर फोर पोल एमसीबी यूज कर सकते हैं, न्यूट्रल आपको कट ऑफ करना है तो वो डिप उसके साथ साइज बड़ी हो सकती है, कॉस्ट भी बड़ा हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट या आपका साइट रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रल आप लोड एंड पे भी कट कर सकते हो, आगे देखेंगे हम, या तो डायरेक्टली अगर मशीन को जा रहे हैं तो यहाँ पे भी कट कर सकते हो, डिपेंडिंग कैसा आपका पावर फ्लो है, ठीक है। इसके बाद डीबी के बाद केबल सीधा गया ये डीबी के ऊपर, ठीक है, ये जो ये बस है, ये बस है, इसमें जो केबल लगा हुआ है, जैसे न्यूट्रल केबल दिख रहा है आपको, ये सब में केबल लगा है, तो केबल जाके लगा डीबी के इनकमर पे, ठीक है, डीबी पे इनकमर लगने के बाद आपको तो पावर फ्लो बताया है मैंने, वापस रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे आर वाई बी आया, ये एमसीबी ऑन करेंगे, यहाँ पे आर वाई बी आएगा, ये पूरा बस है, यहाँ पे तीन बस है, एक के ऊपर एक ऐसे सैंडविच बने हुए, ये बस चार्ज होने के बाद अपन यहाँ से अलग 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 एमसीबी को हमने चार्ज किया है, यहाँ तक चार्ज है पूरे एमसीबी, जहाँ जैसे केबल लगाओगे आप इसको ऑन करोगे, जैसे ऑन करोगे इसको तो ये यहाँ से पावर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन, अब मैंने जो आपको कहा था अर्थिंग वाली बात, अभी इसमें जो है अपनी इंडस्ट्री में बहुत जगह आपने, जैसे यहाँ पे अर्थिंग मिसिंग आपको लग रहा है, मिसिंग है, पैसा है नहीं, अपनी डीप जहाँ पे पैनल के थ्रू यहाँ से यहाँ पे जब पैनल अर्थिंग रहता है, जो पैनल हमने लगा है उस पर जो पैनल अर्थिंग रहता है, वहां से एक जो जीआई का वायर आता है, जो केबल के थ्रू आता है, केबल के साथ लग लग के ये जीआई का वायर है, ठीक है, ये जीआई का वायर है जो केबल के साथ लग लग केबल के साथ थ्रू होके फ्लो हुआ है, ठीक है, तो ये फ्लो होके आया है, ये डीबी के यहाँ जाके लग गया है, ये डीबी का अर्थिंग लगाने की जगह यहाँ पे मार्किंग भी दी हुई है कि यहाँ पे अर्थिंग लगाओ करके, तो बेसिकली हमने डीबी की बॉडी को अर्थिंग कर दिया है, जो एज गुड एज ये काम कर रहा था, लिंक भी वही काम कर रहा था, ठीक है, पर अगर हमने केबल लाए होते तो यहाँ लगाए होते, पर जनरली हम जीआई वायर ला रहे हैं तो हम यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, बॉडी को ही अर्थ करने का मतलब था, जो यहाँ से भी वही चीज हो रही थी, यहाँ से भी वही चीज हो रही है, ठीक है, आपको दोनों फेनोमिनन आपको दिख जाएंगे इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो यहाँ देख के आप जज मत कीजिएगा कि अब अर्थिंग नहीं आया, कृपया करके आप साइड में देखिएगा आया है, केबल के साथ कोई जीआई वायर लग के तो नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये जो आउटगोइंग निकले थ्री थ्री फेज के, ये आउटगोइंग जाके एक और डीबी में चार्ज हुआ, जो सब डीबी बोलते हैं, इसका छोटा वर्जन, ये ऐसे 125 160 एम्पेयर का डीबी है, तो यहाँ पे ये छोटा एमसीबी पाया है, जैसे ये 32 एम्पेयर का डीबी दिख रहा है ना आपको, 32 एम्पेयर यहाँ पे आया, ठीक है, ये आया है लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यहाँ पे ऐसे आर वाई बी एन आ गया, यहाँ पे भी ऐसे आर वाई बी एन एन निकला था, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है कि ये फोर पोल एमसीबी है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आप कहा था एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि लाइटिंग का लोड है,
यहाँ पे न्यूट्रल हमें कट ऑफ करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी कट ऑफ कर सकते हैं, बट जनरली यहाँ पे नहीं करते, हमने आगे कट ऑफ किया हुआ है, कोई बात नहीं, इसके अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ नहीं वहां करना चाहिए। तो यहाँ पे भी अब तीनों पेल आपके तीनों पोल और एक न्यूट्रल कट ऑफ हो गया, और आगे जाके ये तीनों फेज आउटगोइंग बना हुआ है, ठीक है। अब आगे का डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड से फोटो है, राइट हैंड साइड से है। इसमें देखिए ये जो है ये न्यूट्रल लिंक है, ठीक है, न्यूट्रल लिंक है। इधर आप देखेंगे ये फोटो के साथ ये अर्थिंग का लिंक है, ये अर्थिंग का लिंक है, ठीक है। ये सेम डीबी है, इसका थोड़ा फोटो एक यहाँ पे भी दिखता है अर्थिंग लिंक, पर क्लियर फोटो नहीं था इसलिए हमने आपको यहाँ से दिखाया, ठीक है। तो इसमें देखिए आर वाई बी आ गया, न्यूट्रल का आउटगोइंग से लिंक चार्ज हो गया। अर्थिंग का भी सेम था जैसे आपको कहा मैंने, इसमें भी सेम जैसे यहाँ दिखेंगे आपको, ऐसे इनकमिंग का अर्थिंग जी आई वायर आया केबल के साथ, ये डीबी में लग गया। सिमिलरली ये देखिए यहाँ पे केबल ट्रे में आपको ये इनकमिंग वाला है, ये जितने आउटगोइंग है उसके साथ जी आई वायर जा रहा है, ये डीबी का पार्ट है, यहाँ जाके अर्थिंग लग गया, ठीक है। आप 4-5 कोर केबल भी ला सकते हैं जो आप अर्थिंग पर जोड़ सकते हैं, सिमिलर काम करेगा, ठीक है। अभी आउटगोइंग की लूपिंग देखते हैं कैसे इस पर लोड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। अभी जैसे कि आपने देखे यह दिख भी रहा है कलर कोडिंग से, ये आर फेज है, ये वाई है, ये बी है, ये एन है, ठीक है। अपन हमें फेज पे फोकस करेंगे। ये देखिए आर का जो केबल है वो यहाँ लूप होके इसने इसको चार्ज किया, ये एमसीबी को थर्ड नंबर पे, ठीक है, जिसको हम देंगे आर, ठीक है। आर का जो पावर है ऐसा फ्लो होके इसको चार्ज किया उसने। अभी सारे एमसीबी अलग अलग हो गए, थ्री पोल एमसीबी नहीं है, ये सब सिंगल पोल एमसीबी, एसपी एमसीबी बोलते हैं इसको, 32 एम्पेयर का, ठीक है। अभी आर का एक और लूप बना हमने, आर का वायर एक और यहाँ देखिए टैप किया हुआ है वायर, और यहाँ से टैप करके यहाँ पे चार्ज कर दिया, ठीक है। अभी सिमिलरली सेम वाई के लिए किया हमने, यहाँ पे वाई के लिए एक एक्स्ट्रा एमसीबी है, वैसे आपको कहा था मैंने कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रहता है, ठीक है। अभी लोड के ऊपर करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमने मेजरली इसमें क्या जाता है कि लोड तीनों फेस में सिमिलर रहे। सब सिंगल फेस में सबसे ज्यादा इश्यू होता है लोड बैलेंसिंग का, क्योंकि इक्विपमेंट ढेर सारे लगते हैं, सबका अलग लोड पैटर्न रहता है, ठीक है। थ्री फेस के अंदर एक इक्विपमेंट खुद ही एक बैलेंस फॉर्म में चलता है, तो थ्री फेस में इतना अनबैलेंस का इश्यू नहीं आता, पर सिंगल फेस में सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। चलो फिर बी का भी सिमिलर है, बी यहाँ पे आया, यहाँ से इसको लूपिंग होके आगे गया, एक और लूपिंग होके आगे गया, ठीक है। ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, ये वाई हो गया, अभी आती है भाई न्यूट्रल की। होप सो आपको फेस समझ में आया हो, फेस से लूपिंग किया हुआ है ताकि आर पे ऐसे आर पे ये दो एमसीबी आर पे चले, ताकि यहाँ पे अगर सपोज ये एमसीबी काम नहीं, ये एमसीबी में पावर नहीं जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आर फेस नहीं आ रहा है, ठीक है। या यहाँ पे पावर नहीं आ रहा है तो मतलब समझ सकते हैं आर फेस कहीं से तो नहीं आ रहा है। अभी बात न्यूट्रल की, जैसे मैंने कहा था न्यूट्रल जाके न्यूट्रल के लिंक को चार्ज करता है, ये लिंक से फिर जितने भी आउटगोइंग निकल रहे हैं ना, वो उसका जो न्यूट्रल लगता है वो न्यूट्रल लिंक से होकर जाता है, ठीक है। वापस रिपीट करता हूँ, जैसे हमने फेस का लूपिंग देखा है, तो न्यूट्रल का वायर आता है इसके लिंक के ऊपर, लिंक को चार्ज किया, लिंक को न्यूट्रल प्रोवाइड किया इनकमिंग का, फिर इसके बाद इतने टाइपिंग से जितने भी आउटगोइंग निकल रहे हैं उसको जो न्यूट्रल चाहिए वो यहाँ से फ्लो होता है, ठीक है, वो यहाँ से लेके जाते हैं न्यूट्रल को, टैप यहाँ से करते हैं, ठीक। ये मैंने एक सिंप्लीफाइड वर्जन वापस समझाने के लिए बताया कि ऐसा है, जो हमने प्रैक्टिकली हमने एक्चुअल फोटोग्राफ देखे हैं उसके एक पिक्टोरियल व्यू में समझाने के लिए। आर का आर के एमसी में गया है, वाई का वाई के एमसी पे गया है, बी का बी के एमसी पे गया है, वहां से अलग अलग आउटपुट चले गए, सेम न्यूट्रल गया है लिंक के ऊपर, ठीक है। अभी सपोज सिंगल फेस है तो हमने समझे कि लाइट जला रहे होंगे, लाइट जलाने के लिए वापस एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया मैंने कि इसे समझ सके। सपोज एक लाइट मेरे वाई, ये वाई फेज एमसी के ऊपर लाइट जलने वाला है, तो जैसे भी कहा था मैंने कि ये वाई लूप होके यहाँ पे आया हुआ है,
यहाँ जैसे आप एमसी ऑन करोगे, ठीक है, ये केबल सीधा जाएंगे लाइट के फेस पे, लाइट के फेस कनेक्टर के ऊपर, ठीक है। और एक न्यूट्रल लिंक यहाँ गई है, न्यूट्रल लिंक चार्ज हुई है, तो इसी का किसी केबल का एक पट्टा न्यूट्रल का उठ के यहाँ पे आएगा, ठीक है। और क्योंकि थ्री कोर केबल है, थ्री कोर केबल है, तो एक कोर हो गया एक कोर हो गया फेस, एक कोर हो गया न्यूट्रल, एक कोर हो गया अर्थिंग, तो तीन केबल के तीन कोर काम आ गए, एक न्यूट्रल आ गया, फिर वही कोर का एक केबल अर्थिंग बन के यहाँ पे आ गया लाइट के पास। जैसे ही तीनों आए अब लाइट चालू हो गया। सिमिलरली हर एक एमसीयू के साथ अलग अलग है, कोई फैन चालू कर रहा होगा तो दूसरा लाइट चालू कर रहा होगा, ठीक है। अभी डायरेक्टली वायर ना जाके लाइट पे नहीं लगते हैं, इसके बीच में एक इक्विपमेंट आता है जिसको सीलिंग रोज बोलते हैं। जनरल लाइट को ऊपर देखने को मिलता है, इंडस्ट्रीज के अंदर स्पेसिफिकली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके घर में कंसील्ड वायरिंग आपको नहीं दिखेगा, कंसील्ड में दिख जाएंगे आपको, जहां जहां आप लाइट लगाते हो ना वहां दिखेगा आपको, इसे सीलिंग रोज बोलते हैं। सीलिंग रोज के अंदर देखिए ये बिजली लाइट के पास रहता है, लाइट के जितने केबल हमने जो जो केबल देखे हमने समझते, ये तीन कोर का केबल है, तीन कोर केबल लाइट को चालू करने के लिए तीन कोर केबल हमने रन किया है, एक फेस न्यूट्रल अर्थ के लिए तीन कोर केबल रन हो रहा है, और कोर केबल जाके लगा सीलिंग रोज पर, ठीक है। उसमें ये है फेस, लिखा है लाइन इसके ऊपर, ये होगा न्यूट्रल के लिए, ये होगा अर्थिंग के लिए, यहाँ पे आके अपना केबल लगता है यहाँ पे, यहाँ से केबल आउटगोइंग निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपना केबल लगता है, आउटगोइंग निकल जाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये बेसिक लगाते क्यों है, देखिए अपने लाइट और एमसीबी के बीच में, जो पहले के एमसीबी देखे हमने उसके बीच कम से कम 10 मीटर की 20 मीटर हाइट की दूरी होंगी इसके ऊपर, क्योंकि डीबी आपके लोअर एंड पे लगी है, लाइट ऊपर लगी रहेगी। अभी सपोज आपको लाइट कहीं शिफ्ट करना है, कहीं मूव करना है, तो आप पूरे ऊपर 10 मीटर केबल चेंज नहीं करोगे ना, या केबल ज्वाइंट मारोगे। तो सीलिंग रोज क्या करता है, बेसिकली पॉइंट वायरिंग का काम होता है इसके अंदर, पॉइंट वायरिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप सीलिंग रोज तक केबल गए ही है, तो आपको सपोज लाइट थोड़ा शिफ्ट करना है, सीलिंग रोज का केबल काट दो, तो वहां से नया केबल डाल दो, हार्डली आपको 1 मीटर का केबल होगा तो 10 से 2 मीटर केबल लगेगा आपको, ठीक है। तो आपको एक उतने से भी काम बन जाएगा, ज्यादा देन आपको 10 मीटर केबल चेंज करना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ से आउटपुट जाने के बाद अपना इक्विपमेंट या लाइट बिजली लाइट पंखा जो भी आप दे रहे हो वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। बेसिकली पॉइंट वायरिंग में सीलिंग रोज दिखेगा, बाकी जगह पर सीलिंग रोज नहीं रहता है। तो सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन तक का अब तक यही तक रखा मैंने पार्ट वन के अंदर, होप आपको समझ में आया हो। और इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़िए, डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपको इंडिविजुअली कोशिश करूंगा बताने की कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो मैं स्पेशल सेशन ले लूंगा डाउट का, आप नोटिफाई करके उसमें हम सॉल्व कर लेंगे। आप नोट्स बना के रखिएगा क्या क्या आपको डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू भी आएगा, इसमें ये पढ़ने के बाद आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।